This is entirely an anti-people move by the government to privatize the railways, and different railway unions have been coming together to protest against it in one voice. There have been protests over all the rail coach factories. Even today, there are people from NREU, Northern Railway Employees Union, there are people from ELRSA, there are people from IREF, Indian Railway Employees Federation, who have come to support our protest. मोदी सरकार जब पिछले बार आई थी तो सबसे पहले टारगेट किया कि रेलवे बजट को ख़त्म कर दिया। वो आम बजट में उसको एक थोड़ी सी जगह दी है उसके साथ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रेलवे के कई प्लेटफॉर्म जो है वो बड़े कॉरपोरेट के हाथ में उसको बेचा। कैंटीन तो पहले ही जा चुकी थी, रेलवे की कैंटीन ख़त्म हो गई है, सब प्राइवेट के हाथ में। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेलवे के जो मुनाफा वाले जो मतलब जो है गाड़ियां हैं जो मुनाफा कमाती है ज़्यादा, उनको जो है उन्होंने एक प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन पिछले बार नहीं कर पाए। इस बार भारी बहुमत में आने के बाद और ये जो राष्ट्रवाद का नारा लगाते हुए एक राष्ट्रवाद और ये जय श्री राम को जो है सामने रखकर उसने रेलवे के ऊपर एक हमला शुरू किया और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 100 दिन का टारगेट दिया, उसके अंदर रेलवे के जो मुनाफे वाले जो भी गाड़ियाँ चल रही है उसको पूरे प्राइवेट के हाथ में देने का। प्राइवेट में आप देख लो ना, एक चीज़ की सबसे कंफर्टेबल सेफ और जर्नी देने वाला ना वो रेल है। बस में भी कोई नहीं जाना चाहता, एयर में भी इतने सारे लोग जा नहीं सकते। तो आम जो पब्लिक है, जो लोअर कैडर से देखा जाता है, जो नीचे के तबके के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसेंजर में ट्रेन ट्रेवल करते हैं। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर से दिल्ली में आते हैं या बाहर से कहीं और जाते हैं, सिटी एरिया में जाते हैं। कल को उनका किराया फेयर होगा, हमारे पास पैसा नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से देंगे, किराया कहाँ से देंगे? तो फिर वो तो आम जनता के ऊपर भारी तो पड़ेगा ही ना। इन द लास्ट बजट ऑल्सो द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया Nirmala Sitharaman, she also proposed a public-private partnership model for the railways. From the AICCTU, we believe that if the Indian railways are privatized, which is one of the largest serving railway network in the world, which serves the poor people of the country and which is also a major source of employment in India, if the railways is privatized, then it will not only mean a deteriorating infrastructure, a deteriorating public transport infrastructure for the poor people of this country, but also increasing contractualization, insecurity of job, hire and fire for the railway employees. 2016 में प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तो हमने देखा नोटबंदी के बाद उन्होंने पेटीएम की भी एडवर्टाइजमेंट की और जियो की भी एडवर्टाइजमेंट की, और ये इससे पता चलता है जियो पूरे देश में फल फूल रहा है और BSNL पूरे देश में नीचे जा रहा है। तो ये जो असर है, ये इन्हीं सरकार की नीतियों का एक असर है कि सरकार, हमारे केंद्र की मौजूदा सरकार सार्वजनिक संस्थानों को बेचना चाहती है। और अभी भी सबसे पहले अगर सरकार ने कोई फैसला किया है तो 46 पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचने का फैसला किया है, डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। एक चीज़ अगर और देखें तो इस बार के बजट में भी हुआ है, ये बजट भाषण का हिस्सा कभी भी श्रम कानून नहीं रहे हैं, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट स्पीच के अंदर श्रम कानूनों को ख़त्म करके 44 श्रम कानूनों के बजाय 4 लेबर जो है कोड बनाने की बात हमारे वित्त मंत्री ने की, जबकि ये वित्त मंत्री का मैटर भी नहीं था। जब से अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ा, उस टाइम पे 54,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी। तब से लेकर के अब तक, देश आज़ाद होगा 70-71 साल हो गए, आज तक सिर्फ 11,000 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई लाइन की। रेलवे लाइनों को कहीं भी किसी भी सुदूर या ग्रामीण क्षेत्र पे नहीं जोड़ा गया। जो लाइनें चली रही थी उन पे मारामारी इतनी है कि लोग अभी भी गांव देहात से जब आते हैं तो ट्रेनों की छतों पर बैठ करके आते हैं। उस दिशा में सोचने के बजाय मोदी ही सोचते हैं कि चलो बुलेट ट्रेन चलाई है। बुलेट ट्रेन की तरफ सोचने का इरादा है। बुलेट ट्रेन के बारे में आज जनता जान चुकी है कि लाखों करोड़ रुपए का खर्चा करके भी वो बुलेट ट्रेन किसी भी तरीके से आम जनता के लिए कहीं से भी टच में नहीं है, और मजदूर वर्ग के लिए सपने जैसी है, जो कि अभी एक्टिवेट होने में उसको या पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाने में कम से कम 7 साल तो वो बोल रहे हैं, कम से कम मुझे लगता है कि 10-12 साल का समय अभी लग जाने वाला है। Privatization of railways is not only an issue of railway employees, it in fact is an issue of 120 crore Indians who use Indian railways to commute daily. if the railways are going to privatize, it will not be only 15 lakh employees who will be affected. It will be the entire population of the country, the most marginalized people of the country, the working class population of the country who are going to be affected by such drastic step by the government. हमारी मांग ये है कि ये जो रेल है ये सरकारी हाथों में रहे। एम्प्लॉइज़ के अंदर कोई कमी नहीं होती है, एम्प्लॉइज़ तो काम करने के लिए आता है, सिस्टम में कमी होती है, सिस्टम को सुधारा जाए। एम्प्लॉइज़ तो ऑलरेडी काम करने के लिए आता है, अगर सिस्टम में कमी होगी तो हम काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिस्टम सही होगा हम काम कर रहे हैं, हम तो कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि हमें ना बदनाम किया जाता है, पहले हमें बदनाम कर दो कि हम काम नहीं करते, बाद में फिर हमें बेच दो या जिस मर्जी के हाथ कर दो। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हिंदू मुस्लिम हमें करके लड़ा रही है, लेकिन बाद में पीछे क्या कर रही है वो किसी को पता ही नहीं लग रहा। देश को बेचो, एयरपोर्ट को बेचो, रेल को बेचो, सबको बेचते चले जाओ, हमें लड़ाते जाओ, तुम इधर से माल खाते जाओ।